और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे भोपाल से अगली खबर। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग, आपको बता दें 18 दिसंबर से 38 स्थानों पर प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत की जाएगी। नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, आपको बता दें योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग, आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, 18 दिसंबर से है बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग और 38 स्थानों पर प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत की जाएगी। नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। बात करेंगे विवेक राणा से। जी विवेक, जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग शुरू होने जा रहा है 18 दिसंबर से और 38 स्थानों पर यह प्रशिक्षण दिया जाएगा नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों को, क्या अधिक जानकारी, किस तरह का होगा ये प्रशिक्षण, क्या अधिक इसमें क्या सिखाया जाएगा? बिल्कुल, बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए लगातार बीजेपी पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती हुई दिखाई दे रही। बीते यदि कुछ दिन पहले की बात की जाए, प्रवक्ता हो या कार्यकर्ताओं, सभी को अलग अलग प्रशिक्षण वर्ग में रखा गया है और कई प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो दी गई है। मगर बात की जाए नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों की, तो 48 ऐसे स्थान है जहाँ पर जो प्रशिक्षण वर्ग है वो 18 दिसंबर को देखने को मिलेगा। और 19 तारीख की बात की जाए, 19 दिसंबर की बात की जाए, तो 19 दिसंबर को राजधानी भोपाल में प्रदेश स्तरीय नगरीय निकाय के जो पार्षद हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनका कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सम्मेलन है वो भी कहीं ना कहीं रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मगर 18 दिसंबर को जो प्रशिक्षण वर्ग रखा गया है वो के अलग अलग स्थान में रखा गया है, जिसमें प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर तक कैसे ले जाया जाए और बूथ स्तर को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इसको लेके कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, जो नगरीय निकाय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, उनको ट्रेनिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रशिक्षित किया जाएगा। जी, आपने जिस तरह से जानकारी दी विवेक कि अब 18 दिसंबर से 38 स्थानों पर विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों को दिया जाएगा और योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने की ट्रेनिंग इन प्रतिनिधियों को दी जाएगी। विवेक, आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ।